किशनगंज थाना पुलिस ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिसिंग पर लग रहे सवालिया निशान को धोने का प्रयास किया है। थाना पुलिस ने मुखबिर खास के इतला पर कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 5 शातिर अपराधियों को धर दबोचा। उप अधीक्षक पुलिस राजेश मीणा और थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह गिल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक संयुक्त टीम के साथ इकबाल सत्यनारायण विजय सिंह जितेंद्र और राजकरण को धर दबोचा। जब वे किसी मकान में डकैती की योजना बना रहे थे, इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक धारदार गुप्ती, 2 धारदार कटार, 1 हॉकी, लाल मिर्ची पाउडर, पेचकस ब्लास्ट बरामद किए हैं। कल कृष्णगंज थाने ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की, उसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया है। डकैती की योजना बना रहे थे, लोअगल रोड पे काली माता का मंदिर है वहाँ पे। इस पर श्रीमान एसपी साहब का अवगत कराया, उनके निर्देशन टीम का गठित किया गया। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इकबाल, विजय, जितेंद्र और सत्यनारायण राजकरण। और ये बेसिकली पिछले 1.5 महीने से एक्टिव थे और अभी प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने ये बताया, इन्होंने 5-6 जो बैग स्नैचिंग की वारदातें की और अनुसंधान जारी है। आगे जो भी अनुसंधान अभी तो प्रारंभिक रूप से पूछताछ में बैग स्नैचिंग की वारदात की, कल ही एक मोटी वारदात को बड़ा अंजाम देना चाह रहे थे, डकैती की योजना बना रहे थे, उसमें इनको हमारे मुखबिर खास ने सूचना दी, उस पर अजमेर या इसके बाहर भी इनकी वारदात नहीं, इनके आज ये लोकल, ये 2 तो छोटी ओकरा के रहने वाले हैं, एक मकड़वाली का है, एक यूआईटी कॉलोनी का है, एक मचौरसी आवास का है। तो ये आसपास यही वारदात करते थे, यही ये बेसिकली नशे पत्ते के लिए इस तरह की वारदात हो गई।